सैरी ओब्रो? यस। मैं तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ आई हूँ? आप कौन हैं ये मैं जानती हूँ। आपको देखा भी है और आपके बारे में बहुत कुछ सुन भी चुकी हूँ। अब यहाँ क्यों आई है ये आप खुद ही बता दीजिए। क्या सुना तुमने मेरे बारे में? यही कहूँगा आदित्य ने तुमसे कि मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ और मैंने उसका जीवन तबाह कर दिया, उसकी जिंदगी में दुख के कांटे बो दिए। अब वो खुशी और सुकून की तलाश में तुम्हारे आंचल का साया ढूंढ रहा है। इतनी हैरत से क्या देख रहे हो मेरे? आदित्य ने तुमसे जो कहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि हर आदमी दूसरी औरत की हमदर्दी पाने के लिए ऐसी ही दुख भरी कहानी सुनाता है। हैरत से मैं इसलिए देख रही हूँ देवयानी, क्योंकि आपने आदित्य के साथ जो भी बुरा सलूक किया उसका एहसास था आपको, फिर भी आप वही करती रही। मैं जो भी हूँ और मैंने जो भी किया है कम से कम बेवफा नहीं, धोखा नहीं दिया मैंने उसे। अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द की बाहों में नहीं सोई मैंने। आदित्य भी किसी गैर की बाहों में नहीं है देवयानी, गैर तो आप जो मेरे और आदित्य के बीच में आ गई, वो दूसरी औरत आप है जिसने मेरे आदित्य को मुझसे छीन लिया। छीना आदित्य को तुमसे? उसने ऐसे कौन से सुरखाब के पद लगे थे जो मैं उस पे मर मिटती? हमारे घर वालों और खुद आदित्य की मर्जी से हमारी शादी हुई थी और आज आदित्य उस पवित्र रिश्ते की तौहीन कर रहा है, मुझे, तुम्हें और अपने आप से परेब कर रहा है। शादी के पहले जितने अफेयर्स हो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अगर वो किसी गैर लड़की के साथ। आप बार बार गैर क्यों कह रहे हो मुझे? आदित्य के साथ मेरी शादी हो चुकी है। शादी? किस दुनिया में जी रही हो तुम? जिसे तुम शादी कह रही हो उसकी मंजूरी ना तुम्हें समाज देगा और ना मैं आदित्य को समझ सकती हूँ, इसलिए जल्दी कि तुम उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। उनसे दूर रहने की जितनी सजा मेरी किस्मत में लिखी थी वो मैं भुगत चुकी हूँ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, न समाज और न आप। कुछ नहीं जानती हो तुम। तुम जो कह रही हो उसका अंजाम क्या होगा ये भी नहीं मालूम तुम्हें। प्यार करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते देवयानी, मौत का डर भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। आदित्य मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें? यकीन मुझे अपने आप पर है और विश्वास अपने प्यार पर, और ये विश्वास इतना कमजोर नहीं जो आपकी खोखली धमकियों से डगमगा जाए। मेरा नाम देवयानी है और देवयानी ने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी, जो चाहा उसे हासिल कर लिया और एक बार जो पा लिया उसे उससे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। क्या समझ रखा है? वो अपना घर छोड़कर चला जाएगा, किसी दूसरी औरत के आगोश में अपना शर्मनाक चेहरा छिपा लेगा और हम बैठे देखते रहेंगे? नो वे देवयानी, मेरा बस चले तो मैं उन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नरेश, ऐसी खौफनाक बातें सोचो भी मत। आदित्य को कुछ नहीं होना चाहिए। नॉनसेंस आदि, उस कमजोर इंसान के लिए तुम्हारे दिल में अब भी हमदर्दी है? सिर्फ हमदर्दी नहीं, प्यार भी है। I still love him. You still love him? जो इंसान तुम पर रुसवाई और बेइज्जती की कीचड़ उछल कर चला गया उससे तुम्हें अब भी प्यार है? नहीं देवयानी, उसने तुमसे बेवफाई की है, इसकी सजा उसे मिलेगी जरूर। आदित्य बेवफा नहीं है, उसे बेवफाई पर उकसाया गया है, सैबी ने बरगलाया है उसे, उसे सैबी के जंगल से मुक्त करवाना होगा। देवयानी दिमाग चल गया है तुम्हारा, इस अचानक सदमे से बौखला उठी हो तुम। आदित्य उस औरत के साथ नहीं ही रहेगा, लेकिन अब इस घर में वो दोबारा कभी नहीं आएगा। अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उससे रिश्ता तुम तोड़ सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मियां बीवी का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत होता है, वो इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम माफ कर दोगी उसे, अगर वो वापस लौट आया तो सब कुछ भूल भुला कर दोबारा हाथ थाम लोगी उसका? नहीं देवी, अब ये कभी नहीं हो सकता। I will never forgive you and I won't let you do it. जो कुछ होना सिर्फ भूलना इतना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी।
लेकिन मैं जानती हूँ आदित्य के स्वभाव को। वो उन मर्दों से नहीं है जिनके कदम जिंदगी की राह पर बार बार भर जाते हैं। मुझे यकीन है एक बार अगर वो वापस घर लौटा तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तो फिर तुम चाहती क्या? उस औरत को मेरी जिंदगी से हटा दो जिसका नाम सैबी है। आदित्य की जिंदगी से दूर कर दो उसे। नमस्कार बिल्ली भाई। राजा के राजा महाराजा नरेश को आज फिर बिल्ली भाई की याद कैसे आ गई? सम्राट चंद्रयुत को भी चाणक्य से सलाह मशवरे की जरूरत पड़ती थी बिल्ली भाई। आपके बिना नरेश का भी गुजारा नहीं। भगवान सबका भला करें नरेश बाबू, आपकी तुलना किसी भी राजा महाराजा सम्राट से की जा सकती है लेकिन वेलजी भाई की नहीं। बहुत छोटा आदमी है वेलजी भाई। उसकी तुलना मान दानिशमंदों से करके क्यों शर्मिंदा करते हैं आप उसे? बैठे 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 छोकरा दो कटिंग बॉल फर्स्ट क्लास बिना शक्कर की। हुक्म कीजिए सरकार, क्या सेवा कर दो? एक ऐसा मामला तुम्हारे सुपुर्द करने आया हूँ वेलजी जो बहुत नाजुक है। उस शीशे की तरह नाजुक जो ऊंची आवाज में बात करने से भी टूट जाए। समस्या इतनी गंभीर है तो जरा खुलकर बताओ नरेश बाबू। ये आधी बात अंदर आधी बात बाहर वेलजी भाई के पल्ले नहीं पड़ती। किसी को रास्ते से हटाना है वेलजी, हमेशा हमेशा के लिए। अब उसे गायब करवा दो या जान से मार डालो। इसका तुम पर छोड़ दो। इसका नाम पता काम धंधा। लड़की का नाम है सैबी, सैबी ओबेरॉय। एड्रेस सी साइड अपार्टमेंट सेकंड फ्लोर फ्लैट नंबर 9। एक मिनट जिसका काम तमाम करना है वो एक औरत है? शादीशुदा औरत है, उम्र तकरीबन 23-24 साल। बहुत दुख की बात है नरेश बाबू, बहुत दुख की बात है। हम आपको इतना मान इतनी इज्जत देते हैं और आपने हमें एक सड़क छाप चोर गुंडा उच्चक्के की लाइन में खड़ा कर दिया। नहीं, ये वेलजी के उसूल के खिलाफ है। उस औरत को उठवाना बहुत जरूरी है वेलजी भाई। उसने मेरी बहन की जिंदगी में जहर घोल रखा है। मतलब मेरे बहनोई आदित्य को उसने अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली है। मेरी बहन देवयानी की जिंदगी हराम कर दी है उस औरत ने। आपका बहनोई भी तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है नरेश बाबू कि एक लड़की ने उसे अपनी जाल में फंसाया और वो फंस गया। अब रही उस लड़की की बात, तो वो लड़की भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। उसको उठवाकर किसी और भाई की आत्मा को क्यों तकलीफ देना? वेल जी ऐसा गंदा काम नहीं करता। वो मांगी रकम दूंगा वेल जी, इतनी रकम कि आज के बाद एक शरीफाना जिंदगी बसर कर सकोगे तुम। नरेश बाबू, शरीफ लोगों की जिंदगी से अगर आपका मतलब वो है जो जिंदगी आप बसर करते हो तो वो जिंदगी आपको मुबारक हो, अपने को नहीं चाहिए। विल जी जहां भी है जैसा भी है खुश है। विल जी, तुम्हारे ना करने से मेरा काम नहीं होगा ऐसा नहीं। वो बिज्जू वाला किस्सा याद है ना? Bloody hell! भगवान सबका भला करे, बेल जी को धमकी दे। आदित्य बाबू, बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं आप, बहुत परेशानियां झेली हैं आपने। दिमागी सुकून के लिए जरूरी है कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाएं। आजकल वही तो कर रहा हूँ। अरे हुजूर, शहर में रहकर भी तो छुट्टी मनाई जाती है। मेरा मतलब है कि 10-15 दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पे हो आइए। और फिर आप बता रहे थे कि पहली बार जब आपकी शादी हुई तो आप हनीमून मनाने कहीं गए नहीं। उधर उस रिवायत को तोड़िए। सुझाव अच्छा है आपका, अमल किया जा सकता है। हाँ तो कुछ नहीं किया, पूछ पूछ अभी बंदोबस्त किए देते हैं। यस सर, मिस्टर वेलजी भाई आपसे मिलना चाहते हैं। ही सेज इट्स वेरी अर्जेंट। वेलजी भाई, सेंड हिम इन। वेलजी भाई को यहाँ क्या जरूरत है? कौन है ये? बड़ी धुरंधर चीज है हुजूर। यारों का अजीज यार और दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन। गुरु भाई अंदर आ भी सको जो। आइए आइए बेटी भाई।
अरे तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, किसकी शामत आई है जो आपको अंदर आने से रोके? भगवान सबका भला करे, आप कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अरे तौबा कीजिए साहब, अभी अभी आपकी शान में इनके सामने कसीदा पढ़ रहा था मैं। कसीदा? अरे भाई तारीफ कर रहा था आपकी। अच्छा, तशरीफ रखिए। ये आदित्य मेहरा, मेरे पार्टनर वेल्च भाई। ओहो, केम छो? ठीक हो? ओळखो छो तुमने? बहुत सारी तो ओळखो छो। आप ही के बारे में मैं बात करने आया हूँ इनसे। मेरे बारे में? कल रात को आपके साले साहब आए थे नरेश बाबू हमारे पास, मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन जो काम वो मुझसे करवाना चाहते हैं ऐसा गंदा काम बेलजी भाई ने आज तक न कभी किया है न करेंगे। कौन सा काम? बहनोई साहब ने दूसरा लगन किया है ना, इसलिए नरेश बाबू का कहना यह है कि इनकी पत्नी सैबी को इस दुनिया से गायब कर दो। मैंने तो आपको बहुत अच्छे शब्द में कहा, ना नरेश का कहना तो ये है सैबी जी को उठवा लो, जान से मार डालो। परिस्थिति कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से हो जाना चाहिए। यह खबर सुनाने के लिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। मैं समझ रहा हूँ भाई, नरेश जैसा घटिया इंसान नीच से नहीं शिरकत कर सकता है, लेकिन अब आप बताइए आदित्य बाबू और उनकी बीवी की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान सबका भला करे, आपको कुछ नहीं करना होगा, जो करना है वो वेलजी भाई करेगा। आदित्य बाबू, कल से आपकी और सैबी जी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मेरे आदमी आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आदमी आदमी से तो लड़ सकता है लेकिन सांप और बिच्छू के डंक से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल। काम एकदम पक्का होना चाहिए खान। सैबी रॉय नाम की लड़की कब इस दुनिया में आई, कब इस दुनिया से गई, किसी को कान पान खबर नहीं मिली। नहीं होगी नरेश बाबू, दाएं हाथ की खबर बाएं हाथ को नहीं होगी। वेल जी के आदमी आदित्य और इस लड़की के आसपास साए की तरह मंडराते रहते हैं, इसलिए हम जब भी वार करेंगे वो पहला और आखिरी वार होगा, दूसरे हमले की कोई गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए हर कदम बहुत सोच कर फूक फूक कर उठाना होगा हमें। अशोक बाबू, आप मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हैं? आदित्य ने जो जलील हरकत की वो मेरी मर्जी से तो नहीं की उसने। आप उसके बाप हैं, आप उसे रोक सकते थे, समझा सकते थे अपने बेटे को। देखिए, मुझसे जो बन सकता था वो मैंने किया, हर मुमकिन कोशिश की कि वो ये शादी ना करे, मेरे समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, ये तो मेरी बदकिस्मती। जैसे मैं हीरा समझता था वो कांच का एक मामूली सा टुकड़ा निकला, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आदित्य जैसा शरीफ और नेक लड़का ऐसी घटिया हरकत करेगा। मेरा साहब, आदित्य मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद करके कभी सुखी नहीं रह सकेगा। अशोक बाबू, आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? क्या मुझे इस बात का दुख नहीं है? देवयानी मेरी भी बेटी है, उसका घर तबाह होते देखकर क्या मुझे अफसोस नहीं होगा? सिर्फ अफसोस करने से क्या होगा मेरा साहब? तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? अगर आप कहें तो गला घोट दूं अपने बेटे का? ऐश में मत आइए मेहरा साहब, आदित्य का गला घोटने की हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो उस लड़की से अलग हो जाए। अरे लेकिन कैसे अलग करूं उसे, किन अल्फाज में जाकर समझाऊं उसे? आदित्य को नहीं, उस लड़की को समझाइए। मैं उसे समझाऊंगा और वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? आदित्य को अपने चुंबन से रिहा कर दे, हम उसे बड़ी से बड़ी कीमत देने के लिए तैयार है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो मांगेगी उसे सब मिलेगा। ये ऑफर आप क्यों नहीं ले जाते उसके पास? रुपया ले जाकर आप पटको उसके सामने। लेकिन मेहरा साहब, आपको वहाँ जाने में क्या एतराज है? एक तरफ तो आप दावा करते हैं कि देवयानी आपकी बेटी जैसी, और दूसरी तरफ उसकी सौतन के घर जाकर उससे बात तक करने की हिम्मत नहीं रखते आप। हिम्मत? रुपया फेंक कर हर किसी मसले का हल निकल आएगा ये सोचना भी बेवकूफी है। अगर ऐसा होता ना तो आपकी बेटी पिंकी जो घर से भाग गई है उसे आप रुपए की ताकत पर ढूंढ लाते, और नरेश बाबू जो जमाने भर की अय्याशियां करते फिरते हैं उन पर भी रोकथाम लगा पाते। क्या हो गया आपको, कैसे फजूल की बातें कर रहे हैं? हमने आपको सलाह मशवरा करने के लिए यहाँ बुलाया है, और आप हमारे ही जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आप जो सलवाते मुझे सुना रहे हैं, मुझे घर बुलाकर सब के सब मुझ पर टूट पड़ रहे हैं, सलाह मशवरा करने का ये कौन सा तरीका है? मिस्टर मेहरा, परेशानी में इंसान क्या कहता है क्या नहीं उसे उसका कोई होश नहीं रहता है। हमसे गलती हुई है, हम उसकी माफी चाहते हैं, लेकिन प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे बुजुर्ग होने के नाते आप ही इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकालिए। काश ये मेरे बस में होता,
जब से मनहूस खबर मैंने सुनी है मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ। सिर्फ आप लोगों से ही नहीं अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ। मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए और दुआ कीजिए कि इस समस्या का हल ढूंढने में मैं कामयाब हो जाऊँ। क्या दिवाली यहाँ आई थी? क्यों आई थी? मुझे ये कहने कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर ना चली गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? मेरे घर की चौखट पर कदम रखने की जुरत कैसे की उसने, जबकि उसे मालूम है मेरा उसका कोई वास्ता नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने, भगवान न करे, अगर तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। कुछ नहीं होगा दादी, कुछ नहीं। What he can do harm to us? But why take risk, Aditya? Please, मेरी बात मानो। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में, जहाँ हमसे नफरत करने वाला, हमें नुकसान पहुँचाने वाला कोई ना हो। नहीं सभी, हम मुजरिम नहीं हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर गुनाहगारों की तरह जिंदगी में मुझ बगैर क्यों जिए? यही जिएंगे, हालात का डट के मुकाबला करेंगे सभी। तो मेरे घर गई थी? तुम इस वक्त जहाँ खड़े हो वही तुम्हारा घर है आदित्य। नहीं देवयानी, ये तुम्हारा घर है, जहाँ तुम रहती हो, और जहाँ तुम रहती हो वो मेरा घर कभी नहीं हो सकता। मैं अभी सब कुछ भूलने को तैयार हूँ आदित्य, तुम्हारी ज्यादतियाँ, तुम्हारे जुल्म, तुम्हारी बेवफाई सब भूलने को तैयार हूँ, पर शायद तुम अपने घर में वापस आ जाओ। बस करो, जिंदगी गुजर गई तुम्हारे एहसानों के बोझ तले जीते जीते, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं दिव्यानी, कोई वास्ता नहीं। तुम्हें वॉर्न करने, तुम्हें चेतावनी देने की मेरे और सैबी के बीच में आने की कोशिश मत करना। तुम या तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने सैबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है आदित्य कि वो अपने मकान की छत पे चल रही हो, अचानक उसका पैर फिसल जाए और वो नीचे गिरते ही अपना दम तोड़ दे, या फिर वो सड़क पर अच्छी बड़ी चल रही हो और कोई ट्रक उसे रौंदता हुआ निकल जाए। यानी समंदर के गहरे पानी में डूब कर या रेल की पटरी से कट कर रोजाना 50 सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए। जैसे हादसा, यह हादसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, या फिर उस औरत के साथ भी हो सकता है जिसका नाम शादी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हादसा शादी के साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आदित्य? शादी भी मेरी और तुम्हारी तरह क्या आम इंसान नहीं है? हो सकता है इसी वक्त, इसी लगे जब तुम यहाँ मेरे पास मौजूद हो, शादी किसी ऐसे ही हादसे का शिकार बनने वाली हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देवयानी ऐसा कर भी सकती है। सभी, 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 सभी।